जो देशद्रोही का डेफिनेशन है जो आपने स्पीच में बता रही थी JNU में जो बातें होती हैं, आपके हिसाब से देशद्रोही कौन लोग हैं? देखिए, देशद्रोही जैसे आज हमको ये कहा जाता है, अगर हम अगर उस टाइप की आवाज़ उठाते हैं किसी के, इस तरह सरकार भी कहीं ना कहीं ये गलत करती है तो उसकी आवाज़ उठाना, तो हम पे देशद्रोही होता है। तो देशद्रोही अगर हम है तो कहीं ना कहीं सरकार भी, जैसा अगर बस्तर की बात बोलूं तो पुलिस प्रशासन भी एक आदिवासी को मार रही है, वो भी एक हिंसात्मक लड़ाई है, तो उनके ऊपर भी वो लागू हो सकती है ना। तो हम उनकी आवाज़ उठा रहे हैं कि हम इस तरह नहीं होना चाहिए, नहीं मारना चाहिए, तो हमको देशद्रोही बन, हम तो नहीं करो, वो एक इंसान लड़ाई है तो देशद्रोही, एक हत्या करने वाला भी हो सकता है देशद्रोही। तो क्यों सरकार और पुलिस प्रशासन जो चल रहा है बस्तर में, तो क्या उसमें नहीं लागू होता? पर नहीं लागू होगा। हम जैसे उसकी आवाज उठा रहे हैं, जो बोल रहे हैं, हमारे ऊपर ही क्यों हो रहा है JNU के ऊपर, मतलब इस तरह से कि हम चाहते हैं कि अगर इसमें अगर नारेबाजी हुई भी है तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जैसे आज JNU के स्टूडेंट को आरोप लगा, हम पे अभी आरोप लग रही है नक्सलवादी हो, देशद्रोही हो, तो हम नहीं है इस बात की बार बार सरकार को कर रहे हैं। हम एक राष्ट्रवादी की तरह हम भी एक काम कर रहे हैं, फिर भी हमको देशद्रोही कह रहा है।